ट्रॉफी लेकर मंदिर पहुंची नीता अंबानी, मैच के दौरान करती रही प्रार्थना। मुंबई इंडियंस ने चौथी बार आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। मुंबई इंडियंस को कप्तान रोहित शर्मा ने चौथी बार चैंपियन बनाया है। इसी टीम की मालकिन भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी है। नीता अंबानी अक्सर अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस की हौसला अफजाई के लिए मैदान में उपस्थित रहती है। कई मौके पर देखा जाता है कि जब टीम मझधार में फंसी होती है तो नीता अंबानी स्टैंड्स में बैठकर प्रार्थना करने लग जाती है। खैर जो भी हो, मुंबई इंडियंस के एक और खिताब जीतने से नीता अंबानी काफी खुश है। यही वजह है कि सोमवार को हैदराबाद से लौटने के बाद नीता अंबानी आईपीएल की ट्रॉफी को लेकर मुंबई के जुहू स्थित मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने ट्रॉफी को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा और पुजारियों से मंत्रोच्चार के साथ पूजा करवाई। ऐसे में कह सकते हैं कि नीता अंबानी की भगवान श्री कृष्ण में काफी आस्था है और वह उन्हीं की प्रार्थना मैच के दौरान करती है, जिसे लेकर क्रिकेट फैंस उन्हें ट्रोल भी करते हैं। इसका वीडियो मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसमें नीता अंबानी अकेले ट्रॉफी को उठाकर मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रख रही है और इस वीडियो में नीता अंबानी जय श्री कृष्णा भी कहती है। वहीं मंदिर के पुजारी द्वारिकाधीश भगवान के जयकारे लगाते हैं। आपको बता दें कि नीता अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी के साथ मुंबई में हर मैच और बाहर होने वाले बड़े मैचों में जाया करती है। मुंबई इंडियंस टीम को वन फैमिली की तरह ही ट्रीट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय 24 न्यूज़।